ये घोड़े हैं यहाँ पे। ओ ये आजा। ऑलमोस्ट यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप लोगों को तकरीबन कोई 20-25 चर्चेस आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं, ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सबको एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे वेलकम बैक कहता हूँ। आज का जो हमारा प्लान है, हमने जाना है मॉस्को से बाहर, एक विलेज है, उस विलेज का नाम है क्लोमना। तो अभी हम यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे आए हैं। मेट्रो स्टेशन पे आके यहाँ पे हमने अभी अपना टिकट्स ले लिया है। तो मैं कामरान से पूछता हूँ, आप लोगों को डिटेल्स देगा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहा हूँ, तो इसको ज़्यादा पता है, इसने 2-3 बार वो जगह विज़िट की है। वहाँ पे क्या कुछ है, क्या कुछ आप लोगों से शेयर करने के लिए, तो मैं आपसे उनसे पूछता हूँ, पूछ के आप लोगों से फिर शेयर करते हैं। जी कामरान, आप बताएंगे क्या वहाँ पे क्लोमना में क्या? विलेज नहीं है, क्लोमना बेसिकली एक छोटा सा टाउन है ना, ओब्लास्ट, ओब्लास्ट में है, मॉस्को ओब्लास्ट में, लेकिन टाउन है, हिस्टोरिकल टाउन है ना। तो काफ़ी हिस्टोरिकल वहाँ पे जगह हैं, तो वहाँ पे यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है और आप वहाँ जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपना सोशल कार्ड को यूज़ करके जा सकते हो ना, यहाँ 50% डिस्काउंट मिलता है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। और ये हमें टिकट्स कितने के पड़े? हमने 3 टिकट्स लिए हैं ना, इसमें कोई डिस्काउंट मिलता है हमें? 50% मिलता है। अभी हमें एक टिकट कितने का मिला है? हमें तकरीबन 240 का मिला ना रूबल्स का, हालांकि ये 500 का था। सही हो, 495 का बनता, ठीक हो गया। 240 का एक टिकट पड़ा है, एक्सप्रेस, ठीक हो गया। इसको इलेक्ट्रिक का बोलते हैं रशियन में, इलेक्ट्रिक का बेसिकली जो सबर्बन ट्रेन होते हैं ना, बिजली पे चलते हैं। सही हो गया, ठीक है। चलो फिर गाइस, हम आप लोगों से डायरेक्ट जाते हैं, अभी हमारी ट्रेन है कोई 20 मिनट्स बाद, हम डायरेक्ट आप लोगों से जाके उसी गाँव में मिलते हैं। लो जी, हमारी एक्सप्रेस मेट्रो आ गई है, अभी हम इसमें जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखती है, और ये इस साइड पे आ जाओ, बैठ जाते हैं। तो ये कुछ अंदर से ऐसी दिखती हैं, आप लोग देख सकते हैं इसकी सीट्स ऐसी हैं बच्चों जी। तो गाइज अभी हम बैठे हैं, तो अपने डेस्टिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ पे क्या कुछ है। सुने वहाँ पे भी छोटा सा कोई क्रेमलिन है, फोर्ट शोर्ट वहाँ पे बने हुए, आप लोगों से शेयर करेंगे। यहाँ पे एक मज़े की बात ये है ना, आप जहाँ पे भी जाते हो इनका ना वहाँ पे एक हिस्टोरिकल क्रेमलिन बना होता है, उसके अंदर ना इनके जो भी वहाँ के बादशाह होते थे, राजास होते थे, जो भी होते थे उन्होंने बनाया था, वो वहाँ पे रहते थे, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे एज अ टूरिस्टिक प्लेसेस ये लोग यूज़ करते हैं। तो आप लोगों से हम शेयर करेंगे, आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक देखना है और मेरे साथ ही रहना। तो यहाँ पे एक कंडक्टर आई हुई है, अभी वो हमारे टिकट चेक करेंगी, हम अपने जो सोशल कार्ड्स जो होते हैं वो हम इनको पकड़ाएंगे, वो वहाँ पे स्कैन करके हमें दे देगी। तुम इस तरह क्यों बैठते हो यार? मत करो यार, नहीं नहीं यार मत करो, यूँ क्यों बैठते हो यार? मुझे मजा आता है यार, व्लॉग बनाने दो यार। ट्रेन के अंदर यहाँ पे ये आए हुए हैं अपनी चीज़ें सेल करने, अगर आप लोगों को भूख शूख लगती है तो आप लोग यहाँ से कुछ ले भी सकते हैं। और इसने बुलुच का ले लिया, ये दिखा है मुझे, ये बुलुच का है और ये 100 रूबल्स में हमें मिला है। सो फाइनली हम पहुँचे हैं क्लोमना और हम यहाँ से अभी निकलते हैं बाहर, बाहर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ एक्सप्लोर करने के लिए और क्या चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो आप लोगों से शेयर करते हैं फाइनली। इन्होंने यहाँ पर डायरेक्शंस दी हुई है, यहाँ पर कुछ म्यूज़ियम्स है, हिस्टोरिकल, एक फेवरेट टॉय म्यूज़ियम है, उसके बाद क्लोमना पेस्टिला म्यूज़ियम है, एक पेस्टिला म्यूज़ियम फैक्ट्री है। तो ये देखें रशियन हिस्टोरिकल घर्स, इनकी आर्किटेक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये तकरीबन कोई 15th century में ये बिल्डअप हुए थे यहाँ पे, और ये अभी तक इन्होंने ऐसे रखा है। ये जो सिटी जो है इसका नाम है क्लोमना है, और ये मशहूर इसीलिए, यहाँ पे ज़्यादातर हिस्टोरिकल घर हैं, म्यूज़ियम्स हैं, क्रेमलिन है, तो लोग यहाँ पे अक्सर यहाँ पे एक्सप्लोर करने आते हैं, ये जगह देखने आते हैं जी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आगे क्रेमलिन वाली साइड पे, आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे 175 रूबल्स का 1 कप मिलेगा, मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं पी रहा, बट ये पी रहा है, इसका अजीब सा टेस्ट है। और यहाँ पे कुछ दादियाँ हैं, बच्चों के लिए टॉयस चॉइस का कोई स्टॉल लगाया हुआ है, ये देखें, ये आप लोग देख सकते हैं, ये रशियन टॉयस हैं, और ये यहाँ पे ये सेल आउट करती हैं, और यहाँ पे कुछ डिफरेंट बेचेस भी हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल है, ईट से बना हुआ है 15th century में, ये चेक करें।
आप लोग। और यहाँ पे बेचेस हैं कुछ स्वीनियर्स, आप जहाँ पे आते हैं तो आप स्वीनियर्स कुछ लेके जा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये स्टॉल्स हैं डिफरेंट यहाँ पे, और ये सारे यहाँ पे चर्चेस एरिया स्टार्ट होता है। इस कंपाउंड के अंदर मोस्टली बहुत सारे चर्चेस यहाँ पे हैं। पानी वाला पंप है, ये 15th सेंचुरी में यहाँ पे ये बना था, और ये यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है, और ये यहाँ से लोग इसको ऐसे यूज़ करते थे, इसको यहाँ से ना इसको गोल गोल घुमाते थे और यहाँ से पानी आता था और इसको भर के लेके जाते थे। अच्छा, ये घर आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये फॉर सेल पे लगा हुआ, ये देखिए 15th सेंचुरी की ये बिल्डअप है, और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, अभी हम इनसे कॉल करके पूछते हैं क्या रेट है। हेलो हजरत, हेलो, दा सुस्ते में, दा हजरत, добрый день, я видел вашу рекламу на улице, вы продаёте этот дом, старый дом, да, который стоит? Да, да. А сколько это будет стоить? 12 миллионов – это выделенная доля, фасадная часть, отдельный вход, 5 соток, центральные канализации, все, газ, вода, там все. А, все 12 миллионов. Все. Да. Мотлоб кебар. Давай позже, тогда у меня позвонок вам. Хорошо. Спасибо. У вас, ну, слушайте, я из другой национальности, это не проблем, да? Ну, проблем. Хорошо, давай. अच्छा, तो वो क्या कह रही है, 12 मिलियन का वो बेच, गैस में सारा कुछ, 12 मिलियन में, 12 मिलियन जमीन के साथ, 12 मिलियन, तो जाहिर ही बात है वो क्या तुझे उठा के देगी ऊपर से 12 मिलियन जमीन है ना, हद है यार, 12 मिलियन का भाई ये घर है। अगर आपके पास यहाँ यहाँ पे नेशनलिटी भी अगर आपके पास नहीं है तो आप आगे इन्वेस्ट करके ले सकते हो। हाँ, क्या क्या बोलो, तो वो पीछे से आ रहे हैं ये लोग, मुझे उससे स्नो से मार रहे हैं पीछे से, अबे 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 अबे। और ये यहाँ पे इनका जो अंदर जितना भी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसका सारा मैप दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख के, यहाँ पे देखें, ये एक 14 नंबर पे चर्च है, एक 12 नंबर पे, एक 13 है, एक 28 29, ऑलमोस्ट कोई 10 से 20 यहाँ पे चर्चेज इन्होंने बनाए हैं इस कंपाउंड के अंदर। तो लोग आते हैं यहाँ पे, अपने प्रेयर्स भी करते हैं और देख के भी जाते हैं, बड़े हिस्टोरिकल चर्चेस हैं इनके जैसा दिखता है। और ये ऊपर देखिए कितनी बड़ी घंटी लगी हुई है, ये हिस्टोरिकल है, सारा हिस्टोरिकल, चेक करें आप लोग, ये कुछ अंदर से ऐसा दिखता है। यहाँ पे कोई इन्होंने स्टैचूज भी बनाए हैं, ये एग्जैक्टली क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट ये बहुत प्यारा स्टैचू बनाया है इन्होंने बनाया है यहाँ पे। और एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग ये नीचे स्टोन्स देख रहे हो ना, ये जो स्टोन्स हैं ये भी काफ़ी हिस्टोरिकल हैं, उसी टाइम इन्होंने ये देखें आप लोग इनकी कटिंग कैसे की है, कटिंग करके ना नीचे इन्होंने इस तरह बनाया है, ये देखें। तो ये कॉम्प्लेक्स का अंदर वाला हिस्सा कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हैं, और ये एक कुत्ता भी जा रहा है यहाँ पे, और ये देखें क्या व्यू आ रहा है, क्या मज़े का व्यू है, सामने धूप निकली हुई है, व्यू को चार चांद लगाने के लिए, वो देखें आप लोग। ये इनके ना बहुत ही पुराने आर्किटेक्चर्स हैं, बहुत ही पुराने, कुछ लकड़ी के बने हुए हैं, कुछ ईंटों के बने हुए हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है। जो है ना ये 12th सेंचुरी में इसको बिल्डअप किया था, और ये यहाँ का फोर्ट है, यहाँ के जो राजा जो प्रिंस जो भी था उसने ये इसको बिल्डअप किया था, सारा नीचे से ईंटों से बना है, और इसकी छत जो है ये वुडन छत है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर सारी बैडमिंटन, वॉलीबॉल, स्विमिंग पूल, जिम, हर चीज़ यहाँ अंदर अवेलेबल है। ये बहुत ही बड़ा इन्होंने यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है। इस टाइम यहाँ पे हम आए हैं मुनास्त्री, और यहाँ इसके अंदर ना काफ़ी चर्चेस हैं इनके, और ये टूरिस्टिक एरिया है इनका, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसका नाइट व्यू भी दिखाऊंगा। अभी रात हो रही है तकरीबन कोई यहाँ के 5:30 बज रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर और आप लोगों से शेयर करते हैं यहाँ अंदर क्या कुछ है, आप लोग देखते रहिएगा। और ये मैं आपको यहाँ से एक ना इसका बाहर से एक व्यू दिखाता हूँ कैसा दिखता है, ये देखें आप लोग, ये व्यू है, ये चेक करें भाई, ऐसा व्यू नज़र आ रहा है। ये सामने ये जो है ना इनको दाचास बोलते हैं, दाचास इनके जो घर होते हैं वो इस तरह के होते हैं यहाँ पे।
जो टाइमिंग थी वो सुबह 7 से 6 बजे का टाइम था, तो अनफॉर्चुनेटली अब ये बंद हुआ है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, ये जो क्रेमलिन बना हुआ है ना, उसका मैप ये सामने है, और ये 1381 में ये बिल्ट अप हुआ था, ये देखें आप लोग। और सामने ये जो रिवर नज़र आ रहा है ना, ये सामने रिवर है, और ये पूरा इस टाइम फ्रीज हुआ है, ये अभी जिंदा है, ये देखें। हम यहाँ पे आए थे, अनफॉर्चुनेटली इसकी टाइमिंग जो थी सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक थी, अनफॉर्चुनेटली ये बंद हो गया, तो अभी हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मेरा प्लान था ये आप लोगों को दिखाऊं, बट बाहर से भी इसकी लुक अच्छी आ रही है। मैं आप लोगों से वो शॉट्स इस व्लॉग के अंदर आप लोगों से शेयर करूँगा। आप लोगों को अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आए, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। मिलते हैं आप लोगों से एक नए से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।